होटल से निकल रहे हैं, नारकंडा का मार्केट एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा, देखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, डिनर का भी देखना है। लंच में तो हमने मैगी बना ली थी, सूप बना लिया था, तो वही खा के पैरासीटामोल की गोली खा ली है जिससे कि हमें दिक्कत ना हो कोई। बाकी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया यहाँ पर, पूरे बस फॉगी फॉग फॉगी फॉग नहीं आ रहा था, इसके अलावा कुछ ही नहीं। जब हम आए थे इतनी तेज़ धूप थी, एकदम ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया है, पता ही नहीं चल रहा। चलो सीधे चलते हैं। क्या मौसम है, मतलब इतना तो सर्दियों में फॉग नहीं होता होगा। इतनी यार हमने बाइकों के ब्लिंकर और फॉग लाइट ऑन कर लिए क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओहो नारकंडा से नीचे की तरफ जा रहे हैं, अभी हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे लोकल। ओहो कचरा यार भाई, क्या मौसम है यार। ओफो भाई, अब आ चुके हैं हम नारकंडा से नीचे उतर के, रूम में बहुत देर रह लिए, उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। और भाई एकदम इतनी मस्त जगह हमें मिली है यहाँ पर, क्या बताऊँ। अराउंड 6 बज रहे हैं और आप देख लीजिए पूरे के पूरे बादल नजर आ रहे हैं आपको, पूरे के पूरे बादल दिख रहे हैं। बाइकें हमारी उधर खड़ी हुई हैं भाई, एकदम ऑफ बीट लोकेशन है। नारकंडा से कम 5-6 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं, एक्सप्लोर करने निकले थे हम, जनरली एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं भाई व्यूज बाकी गजब है। और साइलेंस के अंदर जो शोर है ना जंगल का, वो यार क्लासिक है, मजेदार, जन्नत है जन्नत भाई। कचप के वेदर है, पूरा जंगल वाले एरिया के अंदर से हम निकल के जा रहे हैं। डरते हैं जंगल जाने का रहता है, बट अगर आप एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को, तो फिर आपको निकलना तो पड़ेगा ही। तो गाइस ये है नारकंडा की मार्केट, यहीं से भी हम कुछ चीज़ लेंगे खाने के लिए, देखते हैं या तो फिर बाहर ही आज डिनर कर लेंगे या फिर घर पे बनाएंगे।